पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने शाहजहांबाद थाने के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ दिया धरना। आतिफ अकील के समर्थकों द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए दिया धरना। चुनावी रंजिश के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। उत्तर विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार आतिफ अकील के समर्थकों पर हमला करने का लगाया आरोप। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व महापौर उत्तर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा पहुंचे थाना शाहजहांबाद। आरिफ अकील के समर्थकों के खिलाफ शिकायत को लेकर पहुंचे भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं पर छुरी चाकू से किया हमला। न्यूज रूम 7 के लिए भोपाल से संवाददाता साउथ सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप धरने पे क्यों बैठे हैं आप लोग? यहाँ धरने पे लगातार कांग्रेस के गुंडे आतिफ अकील के छर्रे तलवारें ले लेके भाजपा के कार्यकर्ताओं पे हमले कर रहे हैं। पिछले 3 दिन के अंदर 9 वारदातें हुई हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, 6 लोग एडमिट हैं हमीदिया हॉस्पिटल में, छुरियों से हमले कर रहे हैं, तलवारों से हमला कर और लेकर आए जो गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं, आतिफ गुंडागर्दी कर रहा है पूरे उत्तर विधानसभा में, उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवान दाजी ढालिया, उनके ऊपर हमला हुआ है। सर में छुरी मारी है, पेट में छुरी मारी है, जांग में छुरी मारी है। वो लगातार 3 दिन से टीला जमालपुरा थाने के अंदर, साजनाबाद थाने के अंदर, निषादपुरा थाने के अंदर आतिफ अकील आरिफ अकील गुंडे लगातार अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के करीब 5 कार्यकर्ताओं को घायल किया है। हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर सब भर्ती है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री आलोक शर्मा जी के साथ यहाँ पर बैठे हुए, जिनको